कटिंग छोड़ के इतना रखो ना, इसकी लेंथ तो इसको सिखाओ बुआ थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जूलर के बैग में क्या क्या होगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे थे, प्यार प्यारे कमेंट्स कर रहे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी बात पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करना। फिलहाल मैं पता किस कनंड्रम असमंजस में पड़ी, असमंजस असमंजस में पड़ी हूँ कि अभी ना हमको शादी में जाना है और मेरे को पहले तो यही नहीं मिल रहा कि कपड़े कहाँ रखे। इतना ढूंढने के बाद मुझे थोड़े बहुत सूट्स मिले पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें से क्या पहनूं। और एक और मैंने कॉर्ड सेट भी रखा था जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो मैं मम्मी को दिखाती हूँ और उनसे राय लेती हूँ क्या पहनूं, क्योंकि रजत से तो इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ, उल्टी उल्टी चीजें बोल रहा है, ये पहन ले वो पहन ले। मेरे को बॉयज को नहीं पता लगता है, इसलिए मम्मी से पूछ के आती हूँ। वैसे ये भी अच्छा लग रहा होगा। आज हमने मम्मी आपको डिसाइड कर दिया कि क्या पहनना है। अब मेरा बताओ, ये देखो वन, ओए ये तो वही वाला है ना जो पापा ने दिया मुझे। टू, नहीं ये सब नहीं, ये सिल्वर बेस्ड है, ये भी सिल्वर बेस्ड है, तो गोल्ड वाला कुछ पहन। नहीं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैसे जो तुम चाह रहे हो कि मैं क्यों पहनूं, ज्वेलरी के लिए बोल रहे हो ना तुम। हाँ ये और एक ये, बताओ क्या पहनूं। अरे वो कहाँ है एक फ्रॉक सूट, वो चाहता था मैं। कौन सा? जो तूने अभी निकाला था पहले, वो मरून सा। हाँ वो सबसे अच्छा है ना, वो बहुत सुंदर है। मम्मी बहुत बढ़िया है वो, बता रहा हूँ मैं। ले आ तू, मम्मी प्रेस कर रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा है। मम्मी का काम कराना चाहती है मिनियन की तरह। वैसे आई एम सो इम्प्रेस्ड कि नैना ने आज मतलब अभी बहुत मुझसे ज्यादा फुर्तीली हो गई है। इसने सारे बैग ना, एक तो इसने कल रात को कर दिया था, बाकी इसने सारे बैग जब खाली कर दिए हैं। नहीं पहले मतलब तुम थोड़ी सी संगत का असर हो, मेरी संगत में रह के तुम खराब हो गई थी। अभी वापस से अपनी संगत में जाके सही। मतलब कई बार क्या होता था, नैना को देख के मुझे लगता था कि जब ये थोड़ा आलस करती थी, मैं सोचता था ये कभी नहीं कर सकती आलस, बिकॉज इसकी मम्मी मतलब प्रो मैक्स। हम अपनी मम्मी के 0.1% भी नहीं, क्योंकि हमारी मम्मी ने ना तो कभी किसी चीज के लिए आलस किया है और काम मम्मी इतना ज्यादा करते हैं, फुर्तीले इतने। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास होता था कि नहीं इसका वो स्किल आएगा किस दिन वापस। मैं वेट कर रहा था। कपड़े अरेंज करने वाला काम सबसे बुरा लगता, बाकी तुम मुझसे कुछ भी करवा लो। बट हमारी किस्मत ही ऐसी है कि एक बैग खुलता है तो दूसरा पैक करना पड़ता है। बट बहुत अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी टचवुड कि हम लोग को इतना घूमने को मिलता है। हाँ, ये तो है, तभी तो अब मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख रही हूँ ना, अपने अंदर ही गुण ला रही हूँ, क्योंकि और घूमना है मुझे अभी। और देखो हमने कहा था ना कि हमारे पौधों के लिए हमने किसी को रखा है ध्यान रखने के लिए। नैना को इनकी बहुत फिक्र थी। तुम्हारे पौधे अभी बिल्कुल सही है। नैना सभी की ऐसी केयर करती है, पौधों की नहीं करती। एक मम्मी मतलब मेरी फ्री की वकील। इनफैक्ट नैना की मम्मी कई बार ऐसे हो जाती है कि फ्री की वकील नैना की सास। सबको नहीं बोलती है, मेरे को पैसे दिए सुबह 10 रुपए दिए थे, एक्स्ट्रा केयर करती है नैना। ये वाला आई लव दिस कलर। ये मैं पता क्यों नहीं पहन रही, ये ना मम्मी मेरे पास एक बहुत पुरानी साड़ी थी उससे बनवाया मैंने, पर इसके साथ ना पजामी है और ना दुपट्टा है। ये वाला पहन ले, आई गेस तूने फंक्शन में कभी नहीं पहना, करवा चौथ पे पहना था। ये देखो ये दो है, फिर एक ये अगर सिर्फ गोल्डन पहनना है। मैंने ये पहना, हाँ मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये मेरे को मम्मी पापा ने गिफ्ट किया था जब मेरा बर्थडे। ये पहना ही नहीं है ना, अभी तक नहीं पहना। ये पहनो, तुम तो बहुत ही जस्ता है। ये भी पहन सकती हूँ फिर मैं, ठीक है। 2-3 कड़े छोड़ दिए मैंने अभी। हाँ तो 2-3 छोड़ के इतना रखो ना, इसकी लेंथ बस जितनी है। अच्छा और कुछ, पहली बार कर रहे हैं ऐसा काम तो। रेडी नहीं हुआ, पता ही नहीं। पापा मम्मी को मंगलसूत्र पहना रहे थे मेरे। अच्छा। मम्मी बोलते पहनाओ ढंग से पहनाओ। उधर ओए तूने अपने को बड़ा किया रोज दी वहाँ। हाँ मुझे पता है ना, मैं मेकअप भी कर रही हूँ खुद को भी। हाय सुनना, हाउ यू, हम क्या है आप सुंदर होते जा रहे हैं। हाँ अभी मम्मी थे ना यहाँ पे, तो रोहिंदी बोलते बड़े सुंदर लग रहे हैं ऐसा ऐसा, फिर पापा भी आ गए, फिर रोहिंदी कहते वाह अंकल भी बड़े सुंदर लग रहे। फिर रोहिंदी कहती अंकल आप अपनी वाइफ की तारीफ करो ना, कहो इनको कि ये अच्छे लग रहे। पापा ना मैं नहीं करता, मुझे नहीं करता। कैसे करूँ पता नहीं, तारीफ कैसे की। पापा ने ये सोचा ना कि भाई अगर मैं तारीफ करूँगा फिर ताउम्र करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने की ही नहीं। यहाँ इंडिया, हमारे इंडिया की लाइटिंग इतनी अच्छी है, सब इतने चमक रहे हैं भाई। मम्मी तैयार हुए इतने बढ़िया। हाँ। रोहिणी खुद यही बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी ने अपना मेकअप खुद किया है, 10/10 चले मम्मी। हाय मैं तो बिना मेकअप के अच्छी दिख जाती हूँ। यार दैट इज ट्रू। जब तुम मेकअप करोगे तो कनाडा का क्या होएगा? और यही बोलते हैं तुम ना रात चली जाते हो। चलो ठीक है मैं नहाता हूँ। इतने दिनों बाद ऐसे नई दुल्हन की तरह मैं तैयार हुई, अपना चूड़ा भी पहना तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बट अभी रजत को रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये गाड़ी का काम देख रहा था, इतने दिनों से गाड़ी बंद पड़ी, गाड़ी की हालत आज जो थी ना धूल से, तो ये रजत उसमें बिजी हो गया था। बट जहाँ भी हमको शादी में जाना है वो सुबह की ही शादी है, तो इसलिए जल्दी जाना है। मम्मी पापा नीचे चले गए हैं और मैं भी एकदम से रेडी हूँ। और ना मैं अपनी घड़ी पहनने लगी तब मुझे याद आया कि जो हमने मम्मी पापा के लिए लिया है क्यों ना उनको वो अभी दे दे, शादी में वो पहनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। क्या लिया है हमने वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे सारा एरिया गिफ्ट से भरा पड़ा है, जो कि हम सोच ही रहे हैं कि मेरे दिमाग में ये चीज़ है ना, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें भी लेके आए हैं कि एक इंसान को ये भी देंगे वो भी देंगे, तो मुझे यह है कि किसी का कुछ चीज़ भूल ना जाए, तो मैं सबकी पोटलियाँ जैसी बनाऊंगी अलग अलग से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारा बिछा के रखा है। और अभी मम्मी पापा तो खैर नीचे ही चले गए क्योंकि उनको बहुत जल्दी हो रही है, ऑफकोर्स गाँव की शादी है और वहाँ पर वो लोग लेट पहुँचे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, रजत भी रेडी है, ये चलो जी। मैं भी ये कोट साथ लेके जाती हूँ जस्ट इन केस ठंड होगी, वैसे मुझे बहुत सर्दी लगती रहती है। यार मैं सोच रही हूँ चटपटी गोलियाँ साथ ले जाती हूँ, ट्रैवल के टाइम अच्छा लगता है खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी, क्योंकि जहाँ हम शादी के लिए जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, तो मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ढीली हो ही जाती है थोड़ा सा ट्रैवल करके भी, और साथ में मैं पानी की बोतल भी भर देती हूँ। देन वी आर गुड टू लीव। सो फाइनली हम घर से निकल पड़े हैं। रजत कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद ड्राइव करने के लिए? मैं वही बोल रहा था, इतना मजा आ रहा है चलाने का। कंडक्टर सीट बैठ के तो नहीं कर रहे थे? तो मैंने कनाडा में गाड़ी नहीं चलाई तो मुझे वहाँ का मतलब ऐसा भी नहीं, बट स्टिल ऐसा आदत हो जाती है ना ड्राइवर को इस साइड पे देखने की, मतलब यूजुअली पता है आपको उधर ना कनाडा में होता है इधर होता है ड्राइविंग सीट, हाँ वो देखा है, राइट हैंड रूल होता है, हमारे लेफ्ट हैंड होता है। मैंने इतने सारे कपड़े पहन लिए, वार्मर्स भी पहने हैं ताकि बिल्कुल भी ठंड ना लगे, क्योंकि कल रात में बहुत ज्यादा ठिठुर रही थी। आज बहुत अच्छा सनी डे है, हाँ ब्राइट सनी डे, मजा आ गया यार। इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता था हमारा शिमला में, क्योंकि हम तो कनाडा में धूप के लिए तरसते ही रहते थे, और जब धूप आती थी ना तो वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो जाती थी बाहर कि बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता था। यहाँ पे तो बढ़िया से जैसी धूप लगी मैं धूप सेकने निकली हुई थी बाहर। दुनिया को टेंशन होती है अपनी अलग अलग, लड़कियों को फंक्शन से पहले क्या टेंशन है कि नाखून लगे। मैं सोची इतनी देर से कर कह रही है खड़ खड़, मैंने देखा नाखून लगा रही है लड़की, और लगा भी दिए इसने। मैचिंग मिल गया ना तुम्हें? नाइस। ये रोहिणी ने ना मेरे लिए मैनीक्योर पेडिक्योर बुक करा के रखा था, बट मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं जाना है लास्ट में, फिर वो मेरे लिए आर्टिफिशियल नेल्स लेके आ गई थी कि चल नेल्स तो लगा ही लियो, तो वहाँ टाइम नहीं लगा, अब यहाँ टाइम लग रहा है तो मैंने सोचा लगा लेती। अब बस ऑलमोस्ट हम भी पहुंचने वाले वेन्यू पे, और एक्चुअली ना मुझे ये वाला नाखून लगाना था इधर, बट जब मैंने ये वाला नाखून चिपका दिया तो मुझे याद आया कि यहाँ पे तो कुछ और लगाना था, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं इस पे कुछ और लगाती हूँ, इसी स्टाइल अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या हुआ? अभी ना बुआ बैठे थे हमारे साथ और वो मेरे नेल्स को देखते बोलते तू खाएगी कैसे, तो बुआ चम्मच लगेगा तो रुक में लेके कहाँ चले गए चम्मच ढूंढने के, तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि देखो स्पेशल बुआ देख अपना लाना चाहिए, इससे खा ले, ये भी चम्मच है। ध्यान ही नहीं रहा वरना मैं लगाती हूँ, 5-4 चम्मच एक से एक डिश खा, दूसरे से दूसरी खा। नहीं तेरा फेवरेट है ना? कैमरा से सीधा देखते रहा, स्वागत मीठे के साथ हुआ आगे बुआ। कितनी देर लगी है, कब से खाना निकाला, ठंडा भी हो गया होगा इनका खाना। धोल रहे हैं अभी। ढूंढ लिया। बैठो। मैं तो हाथ से खाऊंगा, ये भी हाथ से खाती है वैसे, बट इसने जो नेल लगाया है ना इससे प्रॉब्लम हुई है। पूरे गांव को यहाँ बुआओं की मस्ती चली है, और नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी में बातें हो रही है। नैना बस्ती हिलाई जा रही है, आ रही, इसको सिखाओ बुआ थोड़ी सी। फिर चलो चलो अब बहुत बातें हो गई, ठीक है बुआ? ये तो क्लासिक है ना इंडियन फंक्शंस का। का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, इन्होंने रजत को खींच के लाया जा रहे हैं, दिल में लड्डू फूटा था कोई तो ऐसा। चलो बाय बुआ बाय। तो अब हम शादी से निकल पड़े हैं आगे की ओर, आगे कहाँ जा रहे हैं वो जा रहे, सोलन जा रहे, क्यों जा रहे ना वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। बट अभी शादी से जैसे हम बाहर आए, रजत अपना फोन देखने लगा और हमने क्या देखा कि हमारा वीडियो 14th पे ट्रेंड कर रहा है इंडिया में। इतनी ज्यादा खुशी हुई मुझे वो देख के। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग अस सो मच। मुझे नहीं पता था आप लोगों को हमारी इंडिया आने की इतनी खुशी है। जैसे अगर आपने हमारा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें हम इंडिया आए हैं, उसका टाइटल क्या था रजत? मुझे याद नहीं। मुझे भी याद नहीं। जब हम इंडिया वापस आए जो वो वाला व्लॉग है ना, वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है वो देख के। एक तो चलो शादी का माहौल होता है, इतना नाच गाना होता है, सब मिलते हैं, उससे भी खुशी हो जाती है, मूड अच्छा हो जाता है। बट फिर जब पर्सनल कुछ खुशी मिल जाए कि व्लॉग ट्रेंडिंग पे जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गाइज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और खाना खा के तब मजा आया, शादी का खाना बुआ ने पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके चम्मच लिया, मुझे ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। तुम दिखाओ, नेल्स बच गए तुम्हारे, बढ़िया प्रॉपर बच गए, अच्छे दो दो चम्मच लेके आए थे। बोले एक चम्मच से थक्का थे, दूसरे से खाने का ठीक है, मैंने ऐसे ही खाया है। तो शादी में भी हमने खूब इंजॉय किया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, चलो अब किसी काम से। चलो जी चलो। हाँ वो अभी नहीं बताएंगे, आगे आपको थोड़ी देर में दिख ही जाएगा, बताने की जरूरत भी नहीं, दिख जाएगा आपको। वैसे आप गेस कर सकते हो, उतनी देर सोचो क्या काम हो सकता है। हो गया काम? बिल्कुल हो गया। कितनी खुश है, मम्मी को सुनियो क्या बोल रहे। हम एक्चुअली एक रीजन था यहाँ आने का कि पापा का काम है, बट क्योंकि हमको लगा था कि ऑफिस के आर से हम लेट हो गए और पापा पूरे 5 बजे काम हो गया। वहाँ जान पहचान वाला रिश्तेदार मिल गया। अरे वाह, चलो अब हम ने जैसे बोला काम हो गया, मम्मी बोलती चलो फिर पार्टी। पार्टी। पर अभी दूसरा काम है हमारा, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसको भी देखते हैं। चलो क्या हो रहा है रजत? मैं देख रहा हूँ इसका जूम वैसा ही है जैसा मेरे पहले वाले फोन का था। तो कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया है, इसका थोड़ा बेटर है। तुम्हारा हाल तो वैसा है, थोड़ा सा बेटर है। छोटे से बच्चे एक्साइटेड नहीं हो जाते नए खिलौने पे? वैसे जो मैं नेकेड आई से नहीं देख सकता ना, वो मैं इससे देखने की कोशिश करता हूँ। वाह, अभी क्या देख रहे हो? आई कैन स्पाई ऑन यू कि आप लाइक कर रहे हो हमारी वीडियो या नहीं कर रहे हो। रजत अपने फोन से ज़ूम करके देखेगा, इसलिए मैंने लिया है। तो अभी आप वीडियो लाइक कर दो, वरना मैं बता दूंगा कि आप लाइक नहीं कर रहे। वे नैना, देख क्या दिखा? क्या? कि कुछ लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। हमारा दूसरा काम भी उधर है पड़ा अंदर, और मैंने बोला था ना कि वो कुछ लाएगी। ये था हमारा दूसरा सेकेंड जो हमारा काम, हम बोल रहे थे काम से मेरी मम्मू। मैंने क्या रजत से मिला? मैं मिल चुका हूँ। अच्छा। मैं पहले मिल गया हूँ। अच्छा, चलो सोलन की बेकरी है, बहुत ही बढ़िया यार। चलो नहीं खा सकते? नहीं नहीं नहीं, घर पे जाके, घर पे जाके, अभी नहीं, घर पे खाएंगे। क्या है इसमें? जूलर के बैग में क्या क्या होगा? Oh my God! तो बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो मम्मी? ऐसे तो हम फिर फॉरेन जाते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, हमको गिफ्ट मिलते रहेंगे। नहीं मम्मी, एनिवर्सरी से पहले मिल गया। बहुत सुंदर है, सो प्रिटी। कितने बेसब्रे, घर तक तो वेट करते, घर जाने का। यहीं खोल दिया मेरा गिफ्ट। मम्मी मेरी भी थी शादी। रोने को। मुझे ठेंगा मिला, मुझे ये मिली है। मजा आ गई भाई। अब तो ऐसे ऐसी बात कर। ये है सामने करोल, बहुत ही सुंदर। एक बार हम ट्रैक भी गया था यहाँ। जिस काम के लिए हम सोलन आए थे वो काम भी हमारे साथ ही है अब। वो सामान हमने उठा लिया, वो सामान उठा के अब हम शिमला की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इस बारी मम्मी आप कह रहे थे ना कि तुमने बड़ा सरप्राइज रखा, इस बारी आप लोगों ने भी बड़ा सरप्राइज रखा। मुझे तो जरा भी हिंट नहीं हुआ और ये पता नहीं चला किस खुशी में। मुझे केक का तो आइडिया था, जब मम्मी ने शिवानी को बोला ना कि कहाँ है तू, तो शिवानी बोलती है मार्केट में हूँ, आ रही हूँ बस। तो मुझे समझ आ गया था कि केक तो इसके लिए ऐसा है, मतलब किसी को अगर ठीक हुई ना और अगले दिन वो ठीक हो गया तो ये उसको भी सेलिब्रेट कर लेती है। तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पता था कि केक तो आया ही होगा 100% इसके साथ। मैंने इस घर से वो खाने को ने बोला मैं कुलचा लाया। शिवानी खूब खिलाते हैं पापा को एक्चुअली सोलन में, क्योंकि हम इतने साल सोलन में रहे ना, तो एक जगह का कुलचा पापा को बहुत पसंद है और तो वही पापा सोचते हैं। पापा का ध्यान नहीं रखा है पापा, सॉरी। यार पापा को ना कुलचा बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे भी कुलचा बहुत पसंद है, तो पापा बहुत देर से बोल रहे थे कुलचा खाते कुलचा खाते, पर हम थोड़े लेट हो गए इसलिए कुलचे वाले बंद हो गए। तो पापा का मूड ऐसा हो गया मेरे को बोले दावा तूने कुलचा भी खिलाया। तो फिर यहाँ पे ना बर्गर की दुकान दिखी, मैंने कहा ये खा लेते हैं, पापा को बर्गर का तो मन था ही ना। तो पापा कहते नहीं 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 चलो चलो आगे चलो। तो रजत आराम से चला रहा है, रजत बोलता पापा पक्का नहीं खाना है, नहीं नहीं। तो पापा ने ऐसे मना कर रहे थे, फिर रजत ने कहा चलो चलो फिर चलते ही है। फिर पापा बोलते देख ले वैसे कुलचे की तरह प्याज तो होता ही है इसमें। फिर हम सब हंसने लग गए। उसके बाद पापा कहते वैसे तुम्हारी मम्मी हर बारी बोलती है क्या खाना है मुझे क्या नहीं खाना, आज क्यों नहीं बोलती है, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं पापा पता है ऐसे छेड़ रहे थे कि इससे पूछ लो कि मेरे को भूख है कि नहीं है, क्योंकि मम्मी मना करते रहते हैं कि नहीं नहीं रहने दो ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि मम्मी को ये होता है कि पापा को थोड़े हेल्थ इश्यूज है ये, तो पापा कुछ भी ना खाए बाहर का। पर यार जब इतने टाइम बाद बाहर आ रहे थोड़ा तो बनता ही। चलो तो अंदर चलते आओ। क्या ऑर्डर कर रहे हो ठंड में ठिठुरे में? लीजिए थैंक यू खत्म। ये के जबरदस्ती खिलाने वाले नैना नींद। तो अभी हम घर पहुंचे हैं और घर पहुंचने में इतनी मुश्किल हुई ना मुझे तो यार, क्योंकि पूरे रास्ते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अब से हम शाम को बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे याद है जब हम कनाडा भी गए थे ना तो शाम को बहुत ज़्यादा नींद आती थी मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स जेट लैग की वजह से टाइम जोन ऑपोजिट चल रहा है कि मतलब यहाँ सुबह तो वहाँ रात है, तो इसलिए अभी वहाँ पे क्या सुबह हो रही होती है अभी तुझे कुछ नहीं पता, तू नींद में अभी भी नींद में इन शॉर्ट। हाँ। बहुत नींद आ रही थी यार, मतलब अगर ऐसे आईज ब्लिंक हो रही थी ना वो चिपक रही थी, खुल नहीं रही थी वापस, क्योंकि इतनी ज्यादा नींद आ रही थी मुझे। बट हम कैसे तैसे घर पहुंच चुके हैं, चेंज करती हूँ और जैसे नीचे से थोड़ा ऊपर तक चल के आए तो थोड़ी फ्रेश हो गई हूँ। इस टाइम एक्चुअली हमारी सुबह हो रही होती थी कैनेडा में, हम उठ रहे होते थे, पर मेरे को तो नींद ही आ रही है और जबरदस्त नींद आ रही है। एक्चुअली ट्रैवल भी किया है हमने इतना और रेस्ट नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स नींद आना तो बनता है। केक भी तो काटते हैं कल। ऑडियंस बदल चुकी है, अब सब बोल रहे कल काटते। साथ तो स्वीट नहीं खाते ना, डाइटिंग भी। आय हाय ठीक है प्रोडक्ट सुंदर लड़कियों के ऐसे लगाया ना असली चेहरे ये है, तो ये आपने निकालना भी ऐसे ही है, मतलब ये जो लड़कियां बोलती है ना कि हम मेकअप नहीं करती, ये देखो इनके असली चेहरे, ये हमारी नेचुरल ब्यूटी है। रात को निकल जाती हो इसके नीचे इनके तो चेहरे उससे भी ज्यादा खिले हुए निकले। आप भी ज्यादा मत बोलो, आपने अब भी फेंकी है कॉटन अपने मुंह से निकाल के। तो चलो अब मैं तो ढल चुकी हूँ जी, पर इनके चेहरे देख लो। शिवानी तो वो काला कर दिया इसने आंख अपने। साफ मम्मी लाल रखनी पड़ेगी ना, एक तो मम्मी तारीफें करे जा रहे ऊपर से भूत दिखे। यार अभी सब सो गए और सोचो मुझे अब याद आ रहा है, तुमको तो खैर याद भी नहीं आ रहा। रजत मैंने अपनी रिंग देख रही है कितनी सुंदर है यार, बिना बात का गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट से याद आ रहा था अभी तक हमने घर वालों को गिफ्ट ही नहीं दिए, सुबह भी बल्कि पता मैंने हाथ में ले लिया था बट घर से निकलते निकलते भूल गई। और अब मुझे लगता है सब सो गया, अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता गिफ्ट देने का। सो अब हम कल सुबह देंगे और आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज तब तक ले सब्र रखना। सोची थी मैं कुछ तो बोलूँ उसके बाद ये याद है मुझे, रास्ते में याद आया था मैं भूल गई, पर मैंने बोला अच्छा भी हुआ क्योंकि अब जैसे शिवानी दीदी भी आगे मम्मी पापा भी है तो चलो सब एक साथ होंगे। तो अब इस व्लॉग में तो आई डोंट थिंक ये हो पाएगा बिकॉज ये व्लॉग एंड करना पड़ेगा। यस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, हमें मुआफ करना। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हाँ ये जो मुझसे गलती होगी ये आई एम श्योर आपको अच्छी नहीं लगी होगी, पर इस गलती को मैं अगले ही व्लॉग में सुधार दूंगी, आपको अगला व्लॉग यही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।